टू जिस जायकास किचन व्यूवर्स, आज आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्रोफेशनल रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरी लैब में बनने जा रहा है प्रोफेशनल तरीके के साथ बेसन आलू की टिक्की आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं। आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बताऊँ आपने उसी तरीके से बनाना है। आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे 1 kg। आलू को बॉयल करने के बाद उसको मैंने छिलके को उतार दिया और इसको अच्छी तरीके से मैं मैश कर रही हूँ। आलू बहुत ज़्यादा गर्म है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, और सर्दियों में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी है तो दिल चाहता है इस गर्मा गर्म पकौड़े और इस तरह के स्नैक्स वगैरह खाने को दिल चाहता है। तो ये आलू की टिक्की आप जैसे बाज़ार में जाके लाइन लगा के पकौड़े वालों से लेते हैं तो पता नहीं उन्होंने किस तरीके से बनाया होता है, तो मैं आपको ये प्रोफेशनल तरीके से बताती हूँ उनका सीक्रेट क्या है। वो इस तरीके से बनाते हैं और आप घर में बनाते तो वैसा बन नहीं पाता, तो आज मैं आपके साथ वो सारे ट्रिक शेयर करूँगी। आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी, स्किप नहीं करनी, और मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। इसको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ, देख रहे हैं, और इसको मैश करने के बाद ये देख रहे हैं इसके जो मोटे मोटे चंक्स हैं उनको भी मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि एक अच्छे मज़ेदार किस्म के ये मैश पोटैटो की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। देन मैं इसके अंदर बताऊँगी आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से स्पाइसेस आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ, ये मेरे पास मैंने एक लिया था हरा धनिया साफ करके, इसमें तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के करीब मैंने हरा धनिया ले लिया, जितना आपको पसंद है उतना भी डाल सकते हैं। और वो एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैंने स्लाइस या चॉप कटिंग करके, आप लोगों की मर्ज़ी, आप स्लाइस में करके डाल सकते हैं या फिर उसको आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। हल्दी डाल के इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून, यानी कि जितने स्पाइसेस हैं उसकी सारी डिटेल मैंने आप लोगों को लिख दी है, आप उसमें से देख के रेसिपी कार्ड पर से देख सकते हैं। और ये कुटी हुई मिर्ची ऐड कर रही हूँ, इसमें चिली पाउडर भी मैंने ऐड की है, चिली पाउडर भी मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है, और कुटी हुई मिर्ची 1 टेबलस्पून के करीब ऐड की है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। सूखा धनिया ऐड किया है, इसको क्रश करके भी कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ज़ीरा भी इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के तकरीब ऐड कर दिया। हल्दी इसलिए कि इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत सा कलर निकल के आएगा और जब आप बनाएंगे तो वाकई आपको पता चलेगा कि आपने कोई चीज़ बनाई है। इसमें मैंने मज़ीद थोड़ी सी मिर्ची ऐड की है ताकि ये बच्चियाँ जो उनसी मेरी लैब में मौजूद हैं इनको मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ये चटपटी चीज़ें खाना पसंद करती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चों में इजाफा या कमी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो ऑप्शनल है, आपने डालना तो डालें, नहीं डालना तो उसको स्किप कर दें। कोई इस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लाजमी डालना है, पसंद है तो डाल दें, नहीं है तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं, उसके बगैर भी बन जाएगा। और ये मिक्स करने के बाद तो फिर इसको हम बनाएँगे, इसके मैं बॉल्स बनाती हूँ और बॉल्स बना के तो फिर उसको पैटी की शक्ल देंगे। लेकिन अभी इसको अच्छी तरीके से मैं इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ सारे मसालों को ताकि मसाले सारे यकजा हो जाएं। अब हरी मिर्चें इसके अंदर डालनी है 1 टेबलस्पून, मैंने इसको काट के चॉप करके या स्लाइस करके आपकी मर्ज़ी डाल सकते हैं, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर वाइट विनेगर इस्तेमाल किया, ये सीक्रेट है, यही सीक्रेट था हरी मिर्चों का इस टाइम डालना है और साथ में जो विनीगर ऐड किया। और आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें विनीगर ऐड किया होगा, अगर आपने अनारदाना भी डाल दिया तो उससे भी ये इसकी विनीगर की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। और मैं अब इसके आपको बॉल बना के दिखा रही हूँ, पैटी बना के दिखा रही हूँ, इसकी मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं आपको कितने बड़े साइज़ की चाहिए। ये मैं बना बना के रखती जाऊंगी और एक साथ पहले हम लोग इसका काम ख़त्म कर देंगे, देन फिर मैं आपको बताऊंगी सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है। तो अब यहाँ पे ये देखें जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, आपने ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, बहुत ईजीली मैं इसको हैंडल कर पा रही हूँ और इसके बॉल्स बना बना के मैं सब इकट्ठे कर लूँगी। और फिर उस एक साथ बनाने के बाद फिर इसको हम लोग मैं बताऊँगी कि आपने इसको डीप फ्राई कैसे करना है। आप सोच रहे हैं डीप फ्राई करेंगे तो सारे आलू फैल जाएंगे, तो तभी तो मैं बता रही हूँ टेक्निक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। क्या मज़ेदार, क्या खूबसूरत किस्म के ये बॉल्स लग रहे हैं, आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं और इसको बहुत सारी इसकी वेरिएशंस भी कर सकते हैं।
दूसरे बॉल में मैंने यहाँ पे एक कप से एक कप के करीब ले लिया। यहाँ पे मैंने बेसन फ्रेश बेसन लीजिएगा, पुराना बेसन ना लीजिएगा। इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्च बेसन लिया, उसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल किया और साथ में चिली पाउडर का भी इस्तेमाल किया, ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल किया। नमक अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाला है ताकि इसकी जो कोटिंग में भी अच्छा सा प्यारा सा मज़ेदार किस्म का टेस्ट निकल के आए। और आप इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसकी मैं अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर तैयार करूँगी। बहुत ज़्यादा इसका थिक मिक्सचर नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए। इसकी थिकनेस आप देख लीजिएगा कि मैं कितनी रखती हूँ, उसी हिसाब से आपने भी उसकी थिकनेस रखनी है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और फिर इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है। यकीन जाने ये जब बनाएंगे इसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी, और जब सुबह सुबह के टाइम यानी कि धुंध जब पड़ रही हो, यानी कि बारिश भी हो रही, तो बहुत ही मज़े की खुशबू फैलती है इसकी। आप लोगों ने देखा जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो और या बारिश पड़ रही हो, और पकौड़े वालों समोसे वालों के पास कितना रश हो जाता है, जब वो लोग फ्राई कर रहे हैं तो उसकी खुशबू से लोग लुत्फ़अंदोज़ होकर उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे जाके उनसे ले के खाते हैं। और वो यही इनकी टेक्निक्स है खुशबू की और इनके मज़े की, कि वो इसमें ये चीज़ें ऐड करते हैं और इसी वजह से उनकी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए, उन इंग्रेडिएंट्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया डाला ताकि ये खूबसूरत लगे थोड़ा सा कोटिंग में भी। और इसकी थिकनेस देखने कितनी है, और आपने भी इसकी थिकनेस रखनी है। ये थोड़ा सा मिक्सचर मैंने बना के रखा है, अब मैं इसको रखूँगी थोड़े से रेस्ट के ऊपर, फिर उसको 10 से 12 मिनट के बाद फिर इसको मैं आपको बताती हूँ फ्राई करने का तरीका। ये 10-12 मिनट के बाद ये मैंने जो बॉल्स बनाए थे इसमें मैं डिप कर रही हूँ बेसन के अंदर। बेसन में डिप करने के बाद ये गर्म हुआ था घी ऑयल, और इसमें मैं ऑयल में डाल के इसको फ्राई करती जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं फ्राई करती जा रही हूँ आप देखिएगा क्या मज़ेदार क्या खूबसूरत किस्म के ये बॉल्स तैयार होंगे। और जो इसके बाद में एक और लास्ट में एक ट्रिक है जो टिक्की वाले करते हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। ये देखिए मैंने एक तरफ इनको कलर आ गया तो निकाला है, और उसके बाद दोबारा से मैं इसको दबा के, ये ट्रिक है उनकी, दोबारा से इसके अंदर दबा के उसको दोबारा से इसको मैं रीफ्राई कर रही हूँ। ये इससे बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी तैयार है, और अब मैं आपको ये फ्राई करने के बाद और इसकी प्लेटिंग दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी ये कितने मज़े के बने। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं, केचप दही के रायते के साथ खाइएगा। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी, मिलते हैं अभी नेक्स्ट रेसिपी में।